जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए राजस्थान के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज का नया टॉपिक राजस्थान के संत व संप्रदाय है। तो आज हम इस टॉपिक से उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो प्रश्न पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले हर एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में रहा? मित्रों, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो नाथ संप्रदाय है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस जिले में रहा। इसका सही उत्तर होगा जोधपुर जिले में। जो जोधपुर जिला है यहां पर नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा और जो नाथ संप्रदाय है इसकी स्थापना मत्स्यन्द्रनाथ जो कि एक नाथ मुनि थे उन्होंने इसकी स्थापना की। इसके अतिरिक्त जोधपुर जिले में ही नाथ संप्रदाय का एक मंदिर जिसका नाम महामंदिर है ये स्थित है और जो महामंदिर है इसका निर्माण मानसिंह जो कि जोधपुर के शासक थे उन्होंने करवाया था। इसके अतिरिक्त जयपुर जिले में रामानु संप्रदाय की प्रधान पीठ है। जो रामानु संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ जयपुर जिले में है, जयपुर जिले के गलताजी में रामानु संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है? मित्र, आपको बताना है किस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर होगा पुष्टिमार्ग संप्रदाय। जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है इसे वल्लभ संप्रदाय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, और जो पुष्टिमार्ग संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ नाथद्वारा जो कि राजसमंद जिले में आता है वहां पर इसकी प्रधान पीठ स्थित है। इसके अतिरिक्त जो निम्बक संप्रदाय है निम्बक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद जो कि किशनगढ़ के पास में अजमेर जिले में है वहां पर इसकी प्रधान पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबुदड़ा तथा कोंडा ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? मित्रों, आपको बताना है जो सिंबुदड़ा और कोंडा है ये किस संप्रदाय से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय। जो जसनाती संप्रदाय है इनसे ये संबंधित ग्रंथ है और जो जसनाती संप्रदाय है इसके संस्थापक जसनाथ जी थे और जो जसनाती संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कतरिया सर जो कि बीकानेर जिले में है वहां पर इसकी प्रधान पीठ स्थित है। इसके अतिरिक्त जो विष्णु समाज है इसके संस्थापक जाम्बेश्वर जी इसके संस्थापक थे और रामविष्णु संप्रदाय इसके संस्थापक रामचरण जी और जो ब्रह्म या प्रब्रह्म संप्रदाय है इसके संस्थापक दादू दयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु समाज के 29 उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? मित्रों, आपको बताना है जो विष्णु समाज के 29 उपग्रह हैं 20+9 विष्णु तो उनका संग्रह किस ग्रंथ में है। इसका सही उत्तर होगा जम्ब सागर में। जो जम्ब सागर है इसमें 29 उपदेश दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो जम्ब संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश है ये दो ग्रंथ जाम्बेश्वर जी द्वारा लिखे गए हैं। जाम्बेश्वर जी जिन्होंने विष्णु समाज की स्थापना की थी उनके द्वारा जम्ब संहिता और विष्णु धर्म प्रकाश लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मित्र, आपको बताना है जो नरसिंह जीरो मायरो है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। इसका सही उत्तर होगा रत्नाखाती। जो रत्नाखाती जी है इनके द्वारा नरसिंह जीरो मायरो लिखा गया और ये मीराबाई के निर्देशन में मतलब मीराबाई के देखरेख में ये लिखा गया। इसके अतिरिक्त जो मीराबाई है इनके द्वारा सत्य बाबा जी ने रूसणो पदावली राग गोविंद नरसिंह मेहतारी हुंडी रुक्मणी मंगल आदि ग्रंथ लिखे गए और जो सहजोबाई है इनके द्वारा सहज प्रकाश नामक ग्रंथ सहजोबाई द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? मित्र, आपको बताना है कितने प्रधान शिष्य थे। इसका सही उत्तर होगा 52। दादू दयाल जी की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्य 52 थे और इन 52 को 52 स्तंभ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त
जो दादू दयाल जी है इनकी प्रमुख पीठ नारायणा जो कि जयपुर जिले में है वहाँ पर स्थित है। वो जो दादू दयाल जी है इनके द्वारा ब्रह्म या परब्रह्म नामक संप्रदाय की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संत ने नादिसा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? मित्र आपको बताना है वे संत कौन से जिन्होंने नादिसा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इसका सही उत्तर होगा चरणदास जी। जो चरणदास जी है इन्होंने नादिसा के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और जो चरणदास जी है इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो रामचरण जी है इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की और जो हरिदास जी है इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम्मिलित का चयन कीजिए। एक तरफ संत है और एक तरफ उनके जन्म स्थान, आपको बताना है किस संत का जन्म स्थान गलत दे रखा है। इसका सही उत्तर होगा लालदास जी। जो लालदास जी है इनका जन्म कापड़ो नागौर में नहीं धोलीदोप गांव जो कि अलवर में वहां पर हुआ था। जो जसना जी है इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। जम्बेश्वर जी का जन्म पिपासर नागौर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेहरा ग्राम जो कि अलवर जिले में वहां पर हुआ था और जो लालदास जी इनका जन्म धोलीदोप गांव अलवर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत पिपा जी की गुफा कहां पर स्थित है? मित्रों आपको बताना है पिपा जी की गुफा कहां पर स्थित है। मित्रों ये क्वेश्चन अभी पटवार के एग्जाम में आया था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। इसका सही उत्तर होगा टोडा ग्राम टोंक। जो टोडा ग्राम टोंक है यहाँ संत पिपा जी की गुफा स्थित है। इसके अतिरिक्त गागरौन दुर्ग में पिपा जी की छतरी स्थित है। संदड़ी बाड़मेर यहाँ पर पिपा जी का मुख्य मंदिर है और मसूरिया जोधपुर यहाँ पर पिपा जी का मेला लगता है और टोडा ग्राम टोंक में संत पिपा जी की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संत, दोस्तों यहाँ पर संत होगा, निम्न में से किस संत द्वारा बेणेश्वर धाम, मित्र तो कुछ गलती हो गई है यहाँ पर होगा बेणेश्वर धाम। क्वेश्चन है निम्न में से किस संत द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर होगा संत मावजी। जो संत मावजी थे इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की और जो बेणेश्वर धाम है ये डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले में जहाँ पर तीन नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम है, माई सोम जखम यहाँ पर बनेश्वर धाम की स्थापना किए और जो बनेश्वर धाम है इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्राणनाथ जी है इन्होंने परनामी संप्रदाय की स्थापना की, हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और संत रिदास इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और ये मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? मित्र आपको बताना है किस संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा भक्त कवि दुर्लभ। जो भक्त कवि दुर्लभ है इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है और जो भक्त कवि दुर्लभ है इनका कार्य क्षेत्र और जन्म स्थान वागड़ क्षेत्र है। वागड़ जो कि वर्तमान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जिला आता है उसको वागड़ कहा जाता है, वो इनका कार्यस्थल है। इसके अतिरिक्त जो दादू दयाल जी है इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत जम्बेश्वर जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार संत जम्बेश्वर जी को माना जाता है और संत रज्जब जी ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम्मिलित का चयन कीजिए। एक तरफ रामस्नेही संप्रदाय की शाखा है और एक तरफ उनके संस्थापक, आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? इसका सही उत्तर होगा सियतल शाखा बीकानेर। इसकी स्थापना चरणदास जी द्वारा नहीं हरिराम दास जी द्वारा की गई। जो रामस्नेही शाखा है इसकी प्रमुख शाखा या प्रमुख गद्दी शाहपुरा भिलवाड़ा में है, इसकी स्थापना रामचंद्र जी द्वारा। जो रेण मेड़ता नागौर में है इसकी स्थापना दरिया जी द्वारा और जो खेड़प्पा जोधपुर जिले में है रामदास जी द्वारा और जो सियतल बीकानेर जिले में है इसकी स्थापना हरिरामदास जी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? मित्र आपको बताना है जो गुदड़ संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दांतड़ा भीलवाड़ा। जो दांतड़ा भीलवाड़ा में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है और जो गुदड़ संप्रदाय है इसके संस्थापक संत दास जी थे। इसके अतिरिक्त जो हर्षोल्लाव नागौर में है यहाँ पर नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नवल संप्रदाय की। और जो गाडा डेडवाना है यहाँ पर निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा डेडवाना जो नागौर जिले में आता है वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? मित्रों आपको बताना है जो अष्ट छाप कवि मंडली है इसका संगठन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा विठल नाथ जी ने। जो जो विठल नाथ जी थे इन्होंने अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किया। इसके अतिरिक्त वल्लभ आचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना जिसकी प्रमुख पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। निम्बार्क जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की जिसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ के पास में है। और रामानुज जी ने रामानुज संप्रदाय की स्थापना की जिसकी प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। मित्रों आपके पास चार कथन है, इनमें से एक कथन असत्य है, उसका आपको चयन करना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़े। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो चरणदास पंथ है इसकी प्रमुख पीठ डेरा ग्राम में नहीं दिल्ली में स्थित है। मित्रों आपको ध्यान रखना है जो चरणदासी पंथ है इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त बाकी अन्य कथन जैसे चरणदासी पंथ का प्रवर्तन चरणदास जी ने किया, बिल्कुल सत्य है। चरणदास जी की दो महिला शिष्या दयाबाई और सहजोबाई थी, बिल्कुल थी। और चरणदास जी ने नादिरशाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतावाणी जोग नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मित्रों आपको बताना है जो चिंतावाणी जोग है ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही उत्तर होगा संत पिपाजी। जो संत पिपाजी है इनके द्वारा चिंतावाणी जोग नामक ग्रंथ लिखा गया। संत पिपाजी का जन्म झालावाड़ जिले में हुआ था, झालावाड़ जिले में हुआ था। और इनके बचपन का नाम प्रताप था, प्रताप। इसके अतिरिक्त जो संत पिपाजी है इनका प्रमुख मंदिर समदड़ी ग्राम बाड़मेर जिले में है, समदड़ी ग्राम बाड़मेर जिले में। और संत पिपाजी की छतरी गागरौन दुर्ग में है। और संत पिपाजी की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है। और इसके अतिरिक्त जो जसनाथ जी है इन्होंने जसनाथी संप्रदाय का स्थापना की थी जिसकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? मित्र आपको बताना है जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सलेमाबाद किशनगढ़ जो अजमेर जिले में है वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। नारायणा जो जयपुर जिले में है यहाँ पर दादू दयाल जी की प्रमुख गद्दी है। दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ या प्रमुख गद्दी नारायणा जयपुर में है। और शाहपुरा भीलवाड़ा यहाँ पर रामस्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जो रामस्नेह संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असुमेलित का चयन कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है और एक तरफ उनके प्रवर्तक, इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा निष्कलंक संप्रदाय। जो निष्कलंक संप्रदाय है इसकी स्थापना हरिदास जी द्वारा नहीं संत मावजी द्वारा की गई। संत मावजी वही है जिन्होंने डूंगरपुर जिले में सोम माही जाकम, एक तो सोम माही और जाकम तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। मित्रों आपको ध्यान रखना है तीन नदियां हैं सोम माही और जाकम, यहाँ पर बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। इसके अतिरिक्त जो नवल संप्रदाय है इसकी स्थापना नवलदास जी ने की थी। गुदड़ संप्रदाय की स्थापना संतदास जी ने की थी। पंडामी संप्रदाय की स्थापना प्राणनाथ जी ने की थी। और निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत मावजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंजनी संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? मित्रों आपको बताना है जो निरंजनी संप्रदाय है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा हरिदास जी। जो हरिदास जी है इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त जो लालदास जी है इन्होंने लालदास संप्रदाय स्थापना की थी। संतदास जी ने गुदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। और स्वामी लालगिरी इन्होंने अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी, अलखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस किसके गुरु रामानंद जी थे? मित्रों आपको बताना है इनमें से किस किसके गुरु रामानंद जी थे। आपके पास चार ऑप्शन है, संत एक तो संत धन्ना, संत रैदास, संत पिपा और संत लालदास। इनमें से किस किसके गुरु रामनाथ जी थे, सॉरी रामानंद जी थे, एक बार देख लेते हैं। संत संत धन्ना के थे, बिल्कुल थे। संत रैदास के, बिल्कुल थे। संत पिपा के, बिल्कुल थे। और संत लालदास जी के नहीं मित्रों, इनके गुरु थे। इनके गुरु गदन चिश्ती थे, गदन चिश्ती जी जो लालदास जी के गुरु थे। तो कौन सा सही होगा, ए बी और सी? तो ए बी सी ये थर्ड वाला। तो मित्रों आज के ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।